इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में कंपनी संचालित करने वाले व्यापारी से जनरेटर के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच करने के बाद शियोमी कंपनी के संचालक पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में श्री यंत्र नगर में रहने वाले सत्येंद्र पाटीदार द्वारा कंपनी के संचालन के लिए जनरेटर खरीदने को लेकर पिछले दिनों शियोम नामक कंपनी के संचालकों से संपर्क किया था और फिर 85 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन रुपए के भुगतान करने के बाद भी कंपनी द्वारा जनरेटर उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके चलते व्यापारी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमको वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमे श्री यंत्र नगर में कंपनी है कर्ण इलेक्ट्रिकल नाम से, जिसके आवेदक सत्येंद्र पाटीदार द्वारा बताया गया था कि सियोन टेक्शन नाम से कंपनी है, जिन्होंने जनरेटर देने के बहाने उनसे 85 लाख रुपए ले लिया और जनरेटर भी नहीं दिया। इस पर से हमने जांच प्रारंभ की। जांच में पाया कि अनावेदक पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। थाना विजयनगर और छिपरा में उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पर से इस धोखाधड़ी पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, धारा 420-406 का। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी अपराध पंजीबद्ध किया है, आरोपी गिरफ्तार की तलाश की जा रही है। लोगों के साथ किया है? अभी 3 लोगों के साथ तो सामने आया है, जिसमें से थाना विजयनगर में 2 FIR पंजीबद्ध हुई थी इसके खिलाफ और 1 छपरा में पंजीबद्ध हुआ था। कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी? ये लगभग 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी है। आपका नाम बता दो। सब इंस्पेक्टर DS चौहान थाना बोल। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।